नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और यह है स्टेडियम का दृश्य। और यहाँ पर देखिए यह है रिंग रोड, रिंग रोड से सटा हुआ ये स्टेडियम जो बन रहा है। यहाँ पर देखिए यह बाउंड्री वॉल का कार्य स्टार्ट किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर टीन का बैरिकेडिंग लगाया गया है पूरा, क्योंकि इधर गड्ढे खुदाई होगा स्टेडियम के लिए, तो जो बाउंड्री वॉल बनेगा उसमें कोई इधर गड्ढे में गिरे न पाए, इसके लिए यहाँ पर यह टीन सेट से पूरा इस साइड में लगाया गया है, पूरा बाउंड्री बनाया जा रहा है पूरा साइड में। और यही है यहाँ पर जो बन रहा है, यह है गेंट्री एरिया। देखिए इसका सेंटरिंग कर दिया गया है और इसका फिर एसेसी किया जाएगा यहाँ पर। और यहीं पास में इधर साइड में यह है इलेक्ट्रिक एरिया, जो ये इलेक्ट्रिक रूम बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहीं से पूरे स्टेडियम में सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक का। और यहाँ पर देखिए डीजी सेट सेट किया गया है, यहाँ पर दो दो डीजी सेट हैं छोटे बड़े। पूरे स्टेडियम में सप्लाई यहीं से दिया जाएगा पावर का। और ये है इधर साइड में जो कार्य चल रहा है, देखिए अभी यहाँ पर यह ब्रिक वर्क चल रहा है। और ये इधर साइड में यह है, इधर साइड में यह है श्रमिक कॉलोनी, जिसका टीन सेट से बाउंड्री किया गया है। और इधर साइड में भी देखिए जो बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा है, उसमें इधर खुदाई कर दिया गया और ग्रीन कलर के जो मैट से देखिए और बैरिकेडिंग किया गया है, ताकि कोई गड्ढे में गिरे न पाए। पूरा एरिया में इधर बैरिकेडिंग किया गया है और बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा है। मैं चलिए आपको आगे से चल के दिखाता हूँ कि बाउंड्री वॉल का कार्य कहाँ चल रहा है। उससे पहले इधर देखिए साइड में यह है, देखिए एलएनटी कंस्ट्रक्शन का यह बोर्ड लगा हुआ है इसमें। यहीं चल यह है गेंट्री एरिया, गेंट्री का यह क्रेन है। और वहीं पर देखिए बैचिंग प्लांट है उसी साइड में। और वहीं पर यह मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जो है इसका, जो आरएमसी के लिए यूज होता है, ये सब गिट्टी बालू कंक्रीट सब आया हुआ है यहीं पर। और यह है आरएमसी के एरिया पूरा, जिस समय रनिंग कर रहा है यहीं से पूरा माल सप्लाई हो रहा है पूरे स्टेडियम में जो कार्य के लिए। और इस साइड में देखिए ये है पूरा गिट्टी। और यहाँ पर देखिए जो खुदाई चल रहा है स्टेडियम प्लेग्राउंड के चारों तरफ, ये है यहीं पर मिट्टी जो स्टॉक किया जा रहा है। देखिए ऊपर जेसीबी लगी हुई है, जो मिट्टी आ रहा है तो उसको यहीं प्लेन करते हुए ऊपर की तरफ स्टॉक किया जा रहा है। काफ़ी हैवी ऊंचाई तक स्टॉक कर दिया गया है, जो पूरे प्लेग्राउंड में ही स्टॉक किया जा रहा है मिट्टी का। तो चलिए मैं आपको चल के दिखाता हूँ उधर खुदाई किधर साइड में चल रहा है और उसका मिट्टी जो स्टॉक हो रहा है डंपर से, वो आपको दिखाता हूँ। इधर साइड में देखिए यहाँ पर है जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देखिए यहाँ पर पोकलेन मशीन भी लगी हुई है जो खुदाई का कार्य कर रही है। वहीं से ये डंपर मशीन गाड़ी से इधर मिट्टी आ रहा है, आकर के लोड यहीं पर स्टॉक किया जा रहा है। तो चलिए, और इधर साइड में ही बाउंड्री वॉल का कार्य चल रहा है। तो चलिए मैं आपको चल के उधर साइड में दिखाता हूँ। और इधर साइड में देखिए जो ये है बैचिंग प्लांट एरिया, यहाँ पर देखिए बोर्ड भी लगा दिया गया है बैचिंग प्लांट का, इसी तरह से सब जगह बोर्ड लग गया। तो चलिए मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ ये श्रमिक कॉलोनी के अंदर। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया गया है वर्कमैन कैंप, जो कि एलएनटी कंस्ट्रक्शन का है ये पूरा एरिया। यहाँ पर देखिए ये बोर्ड लग गया है। और ये इधर टॉयलेट है बना हुआ, और ये बाथरूम है। और यहाँ पर देखिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है इस साइड में। और ये है इधर बाथरूम एरिया, देखिए सब नहाने वाला जो बना हुआ है बाथरूम के लिए। और इधर पानी टंकी रखा हुआ है। और इधर साइड में ये है इधर का बाहर का दृश्य, जो इधर साइड से अभी बाउंड्री का कार्य चल रहा है खुदाई हुआ है। और इधर साइड में ये बना है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यहाँ पर इस तरह से इसको टीन सेट से ढका गया है। उधर साइड में देखिए यहाँ पर बना हुआ है किचन। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है कि जो इसके रूल्स हैं, वर्कमैन कैंप रूल्स, डज एंड डोंट डू एंड डोंट्स, इस तरह से इसको किस तरह से यूज करना है, यहाँ पर आना है, फायर के बारे में, सेफ्टी के बारे में सब बताया गया है यहाँ पर। एलएनटी कंस्ट्रक्शन का पूरा रूल रेगुलेशन किचन के एरिया में।
इधर साइड में देखिए पूरा किचन बना हुआ है, ये किचन के एरिया पूरा बना हुआ है। जो इस समय सभी लोग कार पे गए हुए हैं लंच के बाद। और इधर साइड में देखिए यहाँ पर है बैचिंग प्लांट बना हुआ है, जो ग्राउंड की तरफ है अंदर में। और वहीं साइड से अंदर इधर साइड में चलते हैं, तो इधर साइड में भी किचन बना हुआ है। इधर साइड में किचन है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए किचन अभी इतना बना हुआ है जो खाली है अभी। किचन के लिए अभी जो श्रमिक आएंगे रहने के लिए उनके लिए किचन अभी बना हुआ है, वो यूज नहीं हो रहा है। वहीं आगे हम चलते हैं तो इधर साइड में देखिए इधर टीन सेट से पूरा कवर कर दिया गया है श्रमिक कॉलोनी का एरिया। और उसके बाद इधर ड्रेन एरिया बना हुआ है, उसके बाद ये साइड में है पीछे का ड्रेन एरिया। इस साइड में देखिए खुदाई का कार्य चल रहा है, जो मिट्टी खुदाई हो रहा है वहाँ पर यहाँ पर डंपिंग किया जा रहा है। और उसके आगे ये है गाड़ियाँ सब लगी हुई हैं डंपिंग के लिए, मिट्टी डंपिंग यहीं पर किया जा रहा है। और यहाँ पर लगा हुआ है डंपर गाड़ी, और यहाँ फोकलाइन की मशीन लगी हुई है मिट्टी लोड करके बराबर यहाँ सप्लाई इधर साइड में किया जा रहा है। और इधर में देखिए यहाँ पर भी डंपर लगी हुई है, जो बराबर दो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। खुदाई का कार्य चल रहा है काफ़ी स्पीड में, और स्टेडियम का कार्य काफ़ी स्पीड में चल रहा है, इस समय तेज़ी से किया जा रहा है कार्य पूरा। और इस साइड में इधर साइड में देखिए ये इधर पूरा खुदाई हो चुका है, ये प्लेग्राउंड जो है प्लेग्राउंड के चारों तरफ का खुदाई कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इस समय। और इधर साइड में देखिए इधर सरिया सेंटरिंग का भी कार्य चल रहा है, जो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है इस समय। और इस साइड में इधर है, इधर जो है देखिए ट्रैक्टर है जिसपे बाउंड्री वाल का जो रेडीमेड कंक्रीट रेडीमेड बाउंड्री वाल है वो लाया जा रहा है, ला करके इधर लगाया जा रहा है। इस साइड में देखिए इधर बाउंड्री वाल का कार्य चल रहा है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है बाउंड्री वाल का। इधर साइड में खुदाई का भी कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे सामने। यहाँ पर देखिए क्रेन के माध्यम से यहाँ पर यह प्लेटफार्म बैठाया जा रहा है, और बाउंड्री वाल का कार्य चल रहा है इसमें। तो दोस्तों हमारे इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही, और हमारे ऐसे नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।